हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टेक्निक्स में। दोस्तों, कई सवाल हमारे कमेंट्स में आए थे जिसमें हमसे पूछा गया था यूपी बोर्ड स्क्रूटनी की लास्ट डेट क्या है, क्योंकि कुछ जगह हमने देखा है 22 जुलाई डेट दी हुई है और कुछ जगह 12 जुलाई दी हुई है। दोस्तों, सच्चाई क्या है वो हम इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे और बताएंगे यूपी बोर्ड स्क्रूटनी की लास्ट डेट क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें ये बेल आइकन, जिससे कि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.in। और यहां पर देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in वेबसाइट आपको ओपन कर लेनी है। वेबसाइट पर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहां पर देखिए हाई स्कूल इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन परीक्षा 2022 अंतिम तिथि 12 जुलाई दी है। दोस्तों, कल की डेट में यहां पर जब हमने चेक किया था 2 दिन पहले, तो यहां पर 22 जुलाई आ रहा था। सिर्फ यही वजह है जो लोग कंफ्यूज थे कि आखिर लास्ट डेट क्या है। दोस्तों, यहां पर गूगल पर जाते हैं और यहां हम लिखते हैं यूपी बोर्ड स्क्रूटनी फॉर्म लास्ट डेट, जाकर देखते हैं क्या है यहां पर। तो देखिए, यहां पर देखिए अंतिम तिथि 12 जुलाई 2022 दी है, जो कई जगह पहले मैंने जब गूगल किया था तो वहां पर 22 जुलाई आ रहा था, लेकिन अब सब जगह से अपडेट हो गया है और सब जगह आपको 12 जुलाई मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर 22 जुलाई पहले था, लेकिन बाद में बोर्ड ने जब इसकी विज्ञप्ति अपलोड की, विज्ञप्ति जारी की, उसमें 12 जुलाई डेट दी। उसके बाद में वेबसाइट पर भी कुछ दिन के बाद अपडेट कर दिया गया था। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, यूपी बोर्ड स्क्रूटनी फॉर्म की लास्ट डेट 12 जुलाई है, 22 जुलाई नहीं है। तो 12 जुलाई से पहले पहले आप सभी को फॉर्म भर लेने हैं। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, उस वीडियो का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और ऊपर आई बटन में वीडियो दिया है जिसमें स्क्रूटनी को लेकर सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कहां से भरा जाएगा, कैसे चालान है, सारी चीजें उसमें हमने बताई हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक। कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।